सूर्य आएंगे, तूफान मचाएंगे, रन बनाएंगे, ताबड़तोड़ अंदाज से सूर्य कुमार यादव तूफान मचाएंगे, बात पहले से ही पता थी। लगातार इस बात के बारे में कहा जा रहा था कि भाई सूर्य कुमार यादव जैसा कोई नहीं है। डिविलियर्स के तो बारे में बेवजह की बात कही जाती है, बेवजह की डिविलियर्स से उनकी तुलना की जाती है। वास्तव में सूर्य कुमार यादव डिविलियर्स से बहुत बड़े हैं, एक बार शोएब अख्तर ने भी इस बात के बारे में कहा था। तो एक पारी से सूर्य कुमार यादव की एक पारी से पूरी दुनिया हिल गई है मेरे भाई, पूरी दुनिया में तहलका सूर्य कुमार यादव की एक पारी से हो गया है। और जो काम बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए, जो काम क्रिस गेल, मैक्सवेल, डिविलियर्स, मिलर जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज, धुरंधर नहीं कर पाए, वो काम सूर्य कुमार यादव ने एक ही मैच में कर दिया। अब मैं आप लोगों को इस मैच में बने हुए कुछ 10 अनोखे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह मैच कितना अनोखा था, कितना तूफान मचाने वाला यह मैच था। सूर्य कुमार यादव के पास के कुछ ऐसे ऐसे कारनामे सामने आए हैं जिनके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्रैडमैन का रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने तोड़ दिया। सोचिए, डॉन ब्रैडमैन, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है, उसका रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव ने तोड़ दिया मेरे भाई। अब वो कैसे तोड़ा ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा यजुवेंद्र चहल की। यजुवेंद्र चहल ने 2 विकेट लिए और 2 विकेट लेते ही यजुवेंद्र चहल भुवनेश्वर कुमार के साथ आकर खड़े हो गए। 90 विकेट दोनों के हो चुके हैं, T20 में दोनों के 90 विकेट हो चुके हैं। उसके बाद में अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, कुछ रिकॉर्ड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इस मैच में बने हैं। उसके बाद में दशुन सनाका, कप्तान श्रीलंका के हैं, बेशक अपनी टीम को सीरीज नहीं जीता पाए लेकिन भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान बन गए। 29 छक्के सनाका ने भारत के खिलाफ T20 में लगाए। सनाका से ज्यादा T20 में भारत के खिलाफ कोई भी खिलाड़ी छक्के नहीं लगा पाया। उसके बाद में टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। जाहिर तौर पर इससे बड़ी जीत T20 में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ने कभी दर्ज नहीं की है। उसके बाद में भारत घर में 12 सीरीज लगातार जीत चुका है, मतलब 12 सीरीज से भारत घर में अजय है। भारत को कोई 12 सीरीज से अपने घर में नहीं हरा पा रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया लगातार 3 सीरीज जीती है, तो मतलब हैट्रिक हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया लगा चुकी है। पहले आयरलैंड के खिलाफ, उसके बाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसके बाद में अब श्रीलंका के खिलाफ 3 लगातार सीरीज भारत भी जीत चुका है हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। उसके बाद में अक्षर पटेल ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। अक्षर पटेल ने नंबर छह से नीचे बल्लेबाजी करते हुए शानदार 117 रन बनाए हैं, और इससे मतलब इस नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए T20 में इतने रन किसी ने नहीं बनाए। हालांकि वेंकटेश अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ और दिनेश कार्तिक ने कारनामा किया है, लेकिन वो 100 के आंकड़े को पूरा पार नहीं कर पाए थे, जबकि अक्षर पटेल ने बहुत रन बनाए हैं। और नंबर छह से नीचे बल्लेबाजी करते हुए 100 से ज्यादा रन बनाना यह अपने आप में बहुत बड़ी काबिलियत को दिखाता है, और अक्षर पटेल ने यह काम करके दिखाया। तो अक्षर पटेल के नाम भी एक बड़ा कीर्तिमान ये दर्ज हो गया है। अब बात सूर्य की करते हैं, क्योंकि चहल पहल सूर्य की है। तो सूर्य कुमार यादव का यह है कि सूर्य कुमार यादव ने पिछले 6 महीने में, सोचिए अंदाजा लगे, जुलाई में शतक लगाया था सूर्य कुमार यादव ने पिछला, और जुलाई से अब जनवरी, मतलब पिछले 6 महीने में सूर्य कुमार यादव 3 शतक लगा चुके हैं मेरे भाई। रफ्तार ऐसी है, बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़े जा रहे हैं और शतक पर शतक लगाते चले जा रहे हैं, वो भी खासतौर पर टी ट्वेंटी में जहां पर शतक लगाना बल्लेबाजों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर सूर्य कुमार यादव पिछले 6 महीने में 3 शतक लगा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बल्लेबाज की रफ्तार T20 में कितनी तेज है, कितनी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ चला जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये शतक वैसे नहीं लगाए, ये तीनों के तीनों शतक सूर्य कुमार यादव ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से लगाए हैं। मतलब हर शतक में 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेलना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में इतना, मतलब तीनों शतकों में दुनिया में ये कारनामा कोई नहीं कर पाया है। क्रिस गेल लुइस ने जरूर ये कारनामा किया था कि उन्होंने 2 शतक लगाए थे 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से, लेकिन 3 शतक किसी ने नहीं लगाया आज तक 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से, और ये कारनामा सूर्य कुमार यादव ने किया। उसके बाद में शतक ही नहीं, 50 रन भी सूर्य कुमार यादव ने 200 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से 8 बार बनाए मेरे भाई, 8 बार 50 रन 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं। ये कारनामा मैक्सवेल ने, मिलर ने भी किया है, लेकिन 8 बार नहीं कर पाए, और बहुत बड़ी बात ये सूर्य कुमार यादव के नाम रही है। उसके बाद में एक और कारनामा सूर्य कुमार यादव का, वो कारनामा क्या कि ओपनिंग के बाद, मतलब सूर्य कुमार यादव ओपनर तो है नहीं, ओपनिंग के बाद बल्लेबाजी करते हुए 3 शतक लगाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है, और ये सूर्य कुमार यादव कर चुके हैं। अभी तक दुनिया में कोई भी बल्लेबाज T20 में ओपनिंग से अलावा 3 शतक नहीं लगा पाया है। मैक्सवेल और मिलर के नाम जरूर 2-2 शतक है, लेकिन 3 शतक कोई नहीं लगा पाया। तो जाहिर तौर पर सूर्य कुमार यादव के नाम ये एक और बड़ा रिकॉर्ड सूर्य कुमार यादव के नाम दर्ज हो गया। और अब बात मैं करता हूं डॉन ब्रैडमैन की। तो ब्रैडमैन की रिकॉर्ड का
यह है कि आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को बहुत बड़ा माना जाता था, 99.99 का स्ट्राइक रेट औसत उनका माना जाता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव का औसत T20 में 107 का हो गया है। तो डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को T20 में सूर्य कुमार यादव ने ध्वस्त कर दिया है, तोड़ दिया, उनसे ऊपर निकल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सूर्य कुमार यादव अभी अपने छोटे से करियर में 10 बार मैन ऑफ द मैच बन चुके हैं। 10 बार सूर्य कुमार यादव छोटे से करियर में। रोहित शर्मा विराट कोहली को बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, विराट कोहली 15, रोहित शर्मा 14, इस तरीके से कुछ है विराट कोहली रोहित शर्मा, और सूर्य कुमार यादव अभी छोटे से करियर में 10 बार हो चुके हैं। तो अभी तो पूरा करियर बाकी है उनका, 4-5 साल खेलेंगे तो जाहिर तौर पर मैन ऑफ द मैच के मामले में इन बल्लेबाजों से कहीं आगे निकल जाएंगे सूर्य कुमार यादव। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, उस बल्लेबाजी को देखकर यह साफ है कि यह खिलाड़ी बहुत बड़ा और महान बल्लेबाज बनने की तरफ चल दिया है। आपका सूर्य कुमार यादव के इन रिकॉर्ड्स पर क्या कहना है, इस पारी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।